ओम शांति। आज की बाबा की साकार मुरली है 5 अक्टूबर 2021 की। आज बाबा ने आत्मा, शरीर और सृष्टि को पावन बनाई, पावन दुनिया में चलने की विधि बताते हुए कहा, मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। आज मुरली में प्रश्न है, भगवान किन बच्चों को मिलता है, बाप ने कौन सा हिस्सा बतलाया है? तो बाबा ने उत्तर दिया, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान मिलता है। बाप ने यह हिस्सा बतलाया है कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसलिए तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है, अब मैं आया हूँ तुम्हें भक्ति का फल देने। आज मुरली का गीत है, मरना तेरी गली, जीना तेरी गली। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, कांटों से फूल बनाने वाला मोस्ट बिलवेड एक बाप है, उसे बहुत प्यार से याद करना है, खुशबूदार पावन फूल बन सबको सुख देना है। दूसरा, यह नॉलेज अर्थात पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इससे 21 जन्मों के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, इसलिए इसे अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है, आत्म अभिमानी बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। आज का स्लोगन है, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।